हेलो चो, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आपकी 10th की क्लास की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपनी तरफ से 100% दे रहे होंगे। तो बच्चों, आज जो है हम रेजिस्टेंस यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे जो लगभग लगभग 2-3 मार्क्स के आएंगे और बहुत आसान है। तो हम जो है क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन देख लेते हैं। जो रेजिस्टेंस है ये R1, R2 और R3 रेजिस्टेंस, एक पूरा सर्किट है। इसमें 12 वोल्ट करंट है। तो इसमें जो है सबसे पहले पूछा है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट निकालना है, दूसरा पूछा है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, पूछा है मतलब टोटल करंट कितना आई करंट फ्लो होगा, फिर पूछा है डिफरेंस बिटवीन द अक्रॉस द R1। R1 जो है मेरे पास R1 इक्वल टू 4 ओम बोला है उसने। समझ में आया बच्चों? तो यानी कि 4 1 के बीच में यहाँ पे हमें निकालना है। तो बच्चों देखो, हम जो है इसको दोबारा से इस डायग्राम को यहाँ पे बनाते हैं अगले पेज पे और जो है इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पे हम जानते हैं रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन दो प्रकार की होती हैं, दो टाइप की होती हैं। एक होता है रेजिस्टेंस पैरेलल और एक होता है रेजिस्टेंस सीरीज में। तो बच्चों देखो, सबसे पहले जो भी मेरे पास पैरेलल है उसे हम सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे इसका जो अगला स्टेप होगा उसे हम क्या बनाएंगे, इन दोनों को मिला के 3 और 6 ओम को मिला के सीरीज बनाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे जो अगला होगा मेरे पास ये सीरीज बन गया, तो यहाँ पे 4 ओम हो गया और ये निकालते हैं अभी हम। तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये क्या है, ये मेरा सीरीज है, सीरीज में ये दोनों पैरेलल हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करूंगा। तो देखो सीरीज की जो इक्वेशन होती है वो, सॉरी पैरेलल की जो इक्वेशन होती है, ये मान लो R1 निकाल लिया मैंने, या R1 मान लिया मैंने, R इक्वेलेंट टू 1 मान लिया मैंने, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/6 + 1/3, इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा मेरा 6, 2 + 1 यानी कि 3/6 यानी कि 1/2। तो बच्चों 1/R इक्वेलेंट 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 1/2। तो R इक्वेलेंट 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, ये 1 की वैल्यू आ गई मेरी 2। तो यानी कि ये क्या हो गया, 2 हो गया मेरा। तो बच्चों हम आगे देखते हैं, जब मैं अगला इसका स्टेप करूंगा तो सीरीज में है तो इसका आर इक्वेलेंट जो है यानी कि टोटल जो पूछा है आर इक्वेलेंट इन सीरीज वो क्या हो जाएगा मेरे पास, वो हो जाएगा 4 + 2 यानी कि 6 ओम पूरे सर्किट के अंदर मेरा रेजिस्टेंस होगा। बच्चों समझ में आ गया? तो यानी कि टोटल जो सर्किट यानी कि पहला क्वेश्चन जो हमने पहला पार्ट किया है बच्चों वो है यह है जो कि पहले पार्ट में कितना है, 6 ओम रेजिस्टेंस अवेलेबल है। अब दूसरा देखते हैं हम टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लो तो वी इजकल टू IR। तो देखो बच्चों यहाँ पे मेरे पास जो है R इक्विवेलेंट मिल गया है और I मालूम है, I निकालना है, V मालूम है 12 / R, R इज 6 यानी कि 2 एम्पियर करंट मेरा फ्लो होगा इस पूरे सर्किट में, ठीक है बच्चों। अब इसने पूछा है जो कि 4 ओम रेजिस्टेंस में यानी कि इसमें कितना पोटेंशियल होगा। तो बच्चों देखो हम बात करते हैं, जब भी मेरे पास कोई भी अरेंजमेंट में अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है तो वहां पे पोटेंशियल अलग अलग होगा, यानी कि इसका V1 होगा, इसका V2 होगा, अलग अलग पोटेंशियल होगा। लेकिन अगर वो पैरेलल है तो क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, करंट अलग अलग होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो है करंट मेरा जो है I करंट कितना पास हो रहा है, अभी अभी हमने निकाला है। तो I करंट, अब हम तीसरा पार्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं पोटेंशियल V अलोंग या V हाँ अलोंग 4 ओम रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, करंट अलोंग 4 ओम रेजिस्टेंस, करंट अलोंग 4 ओम रेजिस्टेंस आई जा रहा है यानी कि ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इजकल टू IR। तो वी 2 × टोटल आर इक्वलेंट, सॉरी टोटल आर क्या दे रखा उसने, 4 × 4 यानी कि 8 वोल्ट। तो मेरा जो है कितना पावर हो रहा है इसमें, सॉरी 4 ओम रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है मेरा यहाँ पे, जैसे कि क्वेश्चन पूछे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 8 वोल्ट है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया होगा और जो है ऐसे क्वेश्चंस आप एक दो और क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ओके बाय बच्चों, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट में नए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके बाय।